अगर आपने चूड़ा दही चीनी कहा तो इसका अर्थ है कि दही की मात्रा कम है। अगर दही चूड़ा चीनी कहा तो इसका अर्थ है कि दही की मात्रा ज़्यादा है और वही अच्छा माना जाता है। और रसगुल्ला जैसे है तो दो चार पीस नहीं दिया जाता है, खास करके जो ब्राह्मणों में प्रथा रही वो एक एक आदमी 100-100 रसगुल्ले खा जाता है भोजन करने के पश्चात। तो अब आप सोचते होंगे कि पता नहीं कैसे खा जाते हैं लोग, लेकिन वो पचाते भी हैं और खाते भी हैं। आलू का तरुआ, बैंगन का तरुआ, गोभी का तरुआ, उसी तरीके से वहाँ पर वो तिलकोर का तरुआ होता है। हाँ। और वो पापड़ के जैसा लगेगा आपको जब वो बनता है। हाँ। फ्राई हो जाता है, पत्ता होता है पत्ता। और इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम शुगर। इतना शुद्ध माना जाता है कि पान, मखान और सुपारी, जो जिसे कसैली कहते हैं कई जगहों पे, इसका प्रयोग होता है। से भोज हुआ और भोज में यह नहीं देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर हम समझते हैं जो भी अतिथि आए हैं वो अतिथि नारायण हैं, भगवान हैं। और मखाना अपने आप में एक कंप्लीट फूड है इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स, कई सारे न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स आर देयर। अब हम अपने एडिटर सर से भी जान लेते हैं वो कहाँ के और उनके यहाँ का सबसे फेमस फूड क्या है और वो उनको क्या खाना पसंद है। देखिए, मैं बिहार के मिथिलांचल से हूँ, मैथिल ब्राह्मण हूँ, और मिथिला इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि माता जानकी, सीता का वो स्थल है। यह सोच करके बहुत रोमांचित होता हूँ कि उस क्षेत्र में महिलाएं खासकर बहुत ही सौम्य और सरल प्रकृति की होती हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे यहाँ खाने का रिवाज है, जो ज़्यादातर किसी भी उत्सव पे परोसा जाता है, वह है दिल्ली के शब्दों में चिड़वा, हमारे यहाँ कहते हैं चूड़ा, और दही और चीनी। दही चूड़ा चीनी, दही चूड़ा चीनी, उसमें भी एक अलग कथा है कि अगर आपने चूड़ा दही चीनी कहा तो इसका अर्थ है कि दही की मात्रा कम है। अगर दही चूड़ा चीनी कहा तो इसका अर्थ है कि दही की मात्रा ज़्यादा है और वही अच्छा माना जाता है। और उसके ऊपर में एक बड़ा सा लड्डू जो मोती चूर से भी ज़्यादा ये है कि वो कहा जाता है बूंदी का लड्डू। और जो बूंदी का लड्डू है वो बड़े बड़े दानों वाले होते हैं, जो बड़ा ही स्वादिष्ट होता है, बल्कि सोच करके काफ़ी हाँ वो कह सकते हैं। सब्जी उसके साथ, और जो हमारे यहाँ सब्जी उसका प्रयोग होता है उसको डालना कहते हैं, जिसमें कि आलू या जो भी ऋतु के हिसाब से कभी परवल या गोभी, और एक सीताफल जो यहाँ कहते हैं वो हमारे यहाँ कदीमा कहा जाता है, वो मिलाकर के सब्जी बनता है, बहुत ही टेस्टफुल होता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो याद करवाती हैं इस बात को कि हर प्रांत के, क्षेत्र के अपने अलग स्टेपल डाइट उसको कह सकते हैं आप। इनमें से आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, आपका पर्सनल फेवरेट क्या? दही चूड़ा चीनी सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है और खाता भी हूँ मैं, और काफ़ी वो सुपाच्य भी है, स्वास्थ्य के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। सो ओवरऑल वैसे बिहार में कई प्रांतों में कई और चीज़ें हैं। थैंक यू वेरी मच सर। आपने कहा आप दरभंगा से हैं, तो मखाना के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मखाना तो अब आजकल लोग, बल्कि कई जो अनुसंधान हुए हैं उसमें भी
कई शोध के हिसाब से कहा गया कि मखाना बहुत ही पौष्टिक है और हमारे यहाँ मखाना का खेती खास करके दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मोतिहारी इन सब जिलों में होता है। वहीं से कई जगहों पे भेजा भी जाता है, मुजफ्फरपुर। और मखाना अपने आप में एक कंप्लीट फूड है इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स, कई सारे न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स आर देयर। और कई और मखाना खाने में इतना स्वादिष्ट है, आप उसका मखाना का खीर बना सकते हैं, मखाना को भून के खा सकते हैं। मखाना वैसे भी आप अगर देखें तो हर पूजा में इतना शुद्ध माना जाता है कि पान, मखान और सुपारी, जो जिसे कसैली कहते हैं कई जगहों पे, इसका प्रयोग होता है। तो ये पंच जो सामग्री है जिसके साथ की पूजा शुरू किया जाता है, उसमें इनका होना अति आवश्यक होता है। जनेऊ, मखाना उसमें से एक है, तो मखाना की महत्ता आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा है। मिथिलांचल भोज की अगर बात करें, क्योंकि ये वर्ल्ड फेमस है कि मिथिला के अंदर दरभंगा हो, चाहे मधुबनी हो, मुजफ्फरपुर, इन इलाकों में भोज बड़ा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जब वहाँ पे मिठाई जब बांटी जाती है, चाहे दही जब दिया जाता है, तो उसकी क्वांटिटी नहीं दिखाई जाती, कितना दे रहे हैं, एक दे रहे हैं, दो दे रहे हैं, डोल बोलते हैं ना सर, बकेट को हाथ डाला एक बार और जितना आया उतना दिया, और मना करते रह गए, नहीं फिर भी। तो ये बताइए, भोज के बारे में बताइए। देखिए, भोज भोज्य से हुआ, जो संस्कृत शब्द है। हम बल्कि जब देवताओं को कोई भी चीज़ अर्पण करते हैं तो कहते हैं भुंक्षु, मतलब आप इसे ग्रहण करें। भोज्य से भोज हुआ, और भोज में यह नहीं देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर हम समझते हैं जो भी अतिथि आए हैं वो अतिथि नारायण हैं, भगवान हैं, और जितना वो खाना चाहें वो खाएं। तो एक प्रथा है शुरू से कि किसी भी सामग्री को बांटने का, वहाँ एक लोगों में एक अलग कला है कि वो चम्मच से नहीं डालते हैं, कोई भी स्पून से नहीं डालेंगे, वो हाथ का प्रयोग होता है, वो कुछ कनेक्ट करने के लिए, कुछ आत्मीयता दिखलाने के लिए। और रसगुल्ला जैसे है तो दो चार पीस नहीं दिया जाता है, खास करके जो ब्राह्मणों में प्रथा रही वो एक एक आदमी 100-100 रसगुल्ले खा जाता है भोजन करने के पश्चात। तो अब आप सोचते होंगे कि पता नहीं कैसे खा जाते हैं लोग, लेकिन वो पचाते भी हैं और खाते भी हैं। ये प्रत्येक दिन की प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि तब तो फिर वो पता नहीं इतनी उनमें कैपेसिटी नहीं है कि हर दिन वो 100 रसगुल्ला खा सके। लेकिन भोज में जाने के समय अपने आप को कुछ 10-20 लोग ऐसे होते हैं जो तैयार करके रखते हैं कि हाँ मुझे खाना है, और खाना है मतलब सब कुछ, संपूर्ण भोजन के पश्चात 100-150 रसगुल्ले खा जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत करिश्माई चीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ है, ये प्रथा है, लोग इंजॉय करते हैं। पहले के लोगों से जब बात हम करते हैं कि बुज़ुर्गों से, मिथिलांचल में जो रहने वाले हैं, वो कहते हैं अरे बुआ तुम क्या खाते हो, खाते तो हम लोग थे, तो ये क्या है, मतलब कि हम लोग तो सर 4 से 5 ज़्यादा खा पाएंगे। आज भी जो बुज़ुर्ग हैं वहाँ के, आज भी 100-100 रसगुल्ला खा लेते हैं। आप देखिए, शुद्धता ज़्यादा थी भोजन में, या जो भी अनाज था उसमें शुद्धता थी, हवा में भी शुद्धता थी, स्वच्छ हवा, और लोग बड़े नियमित तरीके से रहते थे। जो अनियमितता आज के जीवन में शहरों में है, बड़े शहरों में है, वो गांव या जो छोटे कस्बे हैं वहाँ पे इन सब चीज़ों को देखने के को नहीं मिला। और अभी भी लोग जो कई कस्बों में हैं, गाँव में हैं, वो बहुत ही नियमित तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है, अनुशासन, अपने ऊपर नियंत्रण,
और स्वच्छ भोजन, स्वच्छ श्वास, ये अगर मिले तो बीच बीच में ऐसा करिश्मा वो कर सकते हैं कि 100-150 रसगुल्ला खा सकते हैं। एक पत्ता होता है सर, कनेल बोलते हैं उसको, उसका साग मिथिलांचल में बहुत फेमस है। बहुत ही न्यूट्रिटिव है, उसमें बी कॉम्प्लेक्स काफ़ी है और लोग उसके कई रूप में उसको ग्रहण करते हैं, साग बना करके, कई बार उसकी चटनी भी बना के, कई बार वो हमारे यहाँ कहते हैं उसको तल करके, वो बेसन लगा के तल करके खाना, तो वो भी एक तरुआ जिसको खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो बड़े यूनिक है, जो बिहार के प्रसिद्ध खान सामग्री में से है। ये कहा जाता है कि सर जो कोई मेहमान आते हैं घर पे, चाहे कोई दामाद आए, उनका स्वागत होता है, तो उस पर उसे खाने में जो आइटम होते, दाल, चावल और भुजिया और तरह तरह की सब्जी, और एक आइटम होता है तरुआ, आलू का तरुआ, बैंगन का तरुआ, गोभी का तरुआ, उसी तरीके से वहाँ पर वो तिलकोर का तरुआ होता है। हाँ। और वो पापड़ के जैसा लगेगा आपको जब वो बनता है। हाँ। फ्राई हो जाता है, पत्ता होता है वो। पत्ता, और इट इज कंसिडर्ड दैट इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम शुगर। तो शुगर कंट्रोल करता है वो, जो डायबिटीज़ हैं जिनको, उनको वो कंट्रोल करता है।